मेरा वाला, और मैं पहली बार आया हूँ इस गांव में। थैंक यू फैंस लोग, थैंक यू। बनाओ भाई चालू। हेलो गाइस, तो मैं नागपुर का लड़का और मैं आया हूँ इधर खेत में। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर बेचारा छोटा बच्चा पढ़ाई लिखाई की उम्र में देखो क्या कर रहा है। और आइए और आपको एक और झलक दिखाते हम। जैसे कि देख सकते हो वहाँ मैटेडोर फंसी है, तो हम थोड़ी उनकी हेल्प करना चाहेंगे। और इधर कापूस लगा है, और मालूम है कापूस क्या पोसने के काम में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास गांड खुजाने को नख नहीं है, लेकिन मेरा भी एक वो है कि मैं एक कंटेंट वीडियो बना के मैं भी थोड़ा फेम वेम हासिल करना चाहता हूँ। और आप सबके प्यार और उसमें तो फेम तो हुआ ही है। और इधर गन्ने के खेत की नदी देखो, जैसा गन्ने का जो रस होता है, जैसा हमारा गन्ने का जो रस होता है उसकी नदी है यहाँ पे। तो जिस किसी को भी लगता है तो आओ यहाँ पे, डूब के मारो, लेके जाओ, कुछ भी करो, वो मेरे को पता नहीं भाई, वो आपका प्रॉब्लम है भाई। बस हेलो गाइस, तो देखो इधर गवत है, मतलब मेरा मतलब है कि गेहूं हो रहा है इधर, आप देख सकते हैं। और ये गेहूं जब पीसता है तो उसका बनता है वो आटा। और पकड़ो तुम मेरा, हाँ समझने का काम है। मुझे एंजॉय हो रहा है यहाँ पे मस्त, मेरी जिंदगी का तेरा व्लॉग ही बता रहा बेटा। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच माय ब्रदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से सेम। एक दिन बहुत बड़ा बनेगा नागपुरी लड़के का नेम। लखन भाई, ओ लखन भाई, लखन भाई जा खड़े वहां मैटर बड़े, समझने का काम है, समझने का नाम है। ये गलत बात है गाइस। क्या आपके इतने बड़े बड़े है क्या आपकी इतने बड़े बड़े है तो कमेंट करो। हाँ बाकी बहुत समझदार हो, बैगन का भरता मत बन, छोटे बैगन का भरता मत बन, ये है बैगन का भरता, कितना भी खा ले बेटा मन नहीं भरता। ओ माय गॉड तू रोला दिया। वो एक वीडियो की याद आ गई। ये अपना है भाई, ये क्या खा रहा? समार। तो क्या मस्त लग रहा तू? धनिया खा रहा? पुदी ना नहीं है यहाँ पे? नहीं भाई वो अलग है। ये मेरा भाई सम्यक डाउन, ओ माय गॉड, ये पास गया साले, व्लॉग बन रहा है, गंदी हरकत मत कर बेटा, नंगी चीजें तो चलती है, इसलिए तो उर्फी टॉप पे है। गलत बोला यार, उर्फी कभी टॉप पे रहती है, वो तो पूरी नंगी रहती है। समारोह का लखन भाऊ कहा?